सो हाय गाइस, दिस इज प्रियांशु एंड यू आर वाचिंग टेक रोबस्ट। और आज हम बात करने वाले हैं पोको X3 के इंडियन वर्जन की, बिकॉज इंडिया में ये लॉन्च हो चुका है। जानेंगे इसकी स्पेसिफिकेशन, प्राइस के बारे में, अपना ओपिनियन दूंगा मैं इस डिवाइस के बारे में। तो पूरी वीडियो देखिए अगर आपको पोको X3 के बारे में पूरा जानना है। एंड वीडियो शुरू करते हैं, उससे पहले एक थोड़ा सा एक क्विक लुक ले लेते हैं इसकी स्पेक्शीट की तरफ, जानते हैं क्या क्या स्पेसिफिकेशन हमें देखने को मिल जाती है। तो यहाँ पे हमें 6.67 इंच का एक फुल HD प्लस IPS LCD पैनल देखने को मिल जाता है, जहाँ पे 120 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट देखने को मिलेगा एंड 240 हर्ट्ज़ का टच सैम्पलिंग रेट देखने को मिल जाता है। HDR10 को सपोर्ट करता है एंड वाइड बैंड NVMe सर्टिफिकेट भी हमें देखने को मिल जाता है। देन स्नैपड्रैगन 732G चिपसेट के साथ ये पहला स्मार्टफोन इंडिया का जो इस चिपसेट के साथ देखने को मिलेगा, एंड Adreno 618 GPU देखने को मिल जाता है। देन हम बात करें ऑप्टिक्स की, तो 64 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरा देखने को मिलेगा, जिसमें प्राइमरी 64 मेगापिक्सल का सोनी IMX682 देखने को मिलेगा, 13 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस एंड दो मेगापिक्सल के ही आपको डेप्थ और मैक्रो सेंसर देखने को मिल जाते हैं। देन 6000 mAh की एक बड़ी बैटरी देखने को मिल जाती है, जहाँ पे 33 वॉट का एक फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट देखने को मिलेगा, जो टाइप सी पोर्ट के थ्रू आपके फोन को चार्ज करेगा। तो आपको एक टाइप सी केबल इसके साथ देखने को मिलेगी, टाइप सी पोर्ट देखने को मिलता है। अच्छी बात यह है कि स्मार्टफोन में IP53 की रेटिंग देखने को मिल जाती है, मतलब स्प्लैश रेजिस्टेंट है ये डिवाइस। एंड ग्लास बैक पैनल है, एक ठीक ठाक डिजाइन देखने को मिल जाता है, मेरे हिसाब से डिसेंट डिजाइन है, कई लोगों को अच्छा लगेगा नहीं लगेगा। एंड पंच होल में अगर मैं बात करूँ तो 20 मेगापिक्सल का कैमरा भी उसमें देखने को मिल जाता है, मैंने वो आपको बताया नहीं, अब बता दिया। सो ओवरऑल मैं बात करूँ, काफ़ी अच्छा डिवाइस है। 3 वेरिएंट आते हैं, 664, 6128 एंड 8128। जो 664 है वो आपको 17,000 का पड़ेगा, जो 6128 है वो 18,500 का, एंड जो आपको जो टॉप वेरिएंट है 8128 वो आपको पड़ता है 19,999, मतलब 20,000 का। सो ओवरऑल काफ़ी अग्रेसिव प्राइस है इंडिया में इसका, एंड काफ़ी अच्छा डिवाइस होगा। इसका डायरेक्टली कॉम्पिटिशन रियलमी 7 होगा, 7 प्रो नहीं बोलूँगा, बिकॉज वहाँ पे एक काफ़ी 65 वॉट का चार्जर देखने को मिल जाता है। देन AMOLED पैनल है, जो मैं मेरे को लगता है रिफ्रेश रेट से ज़्यादा इंपॉर्टेंट AMOLED पैनल है, बिकॉज पिक्चर क्वालिटी काफ़ी इंप्रूव हो जाती है। एंड एक और चीज़ बता दूँ कि रियलमी X3 में भी आपको पोको X3 में भी आपको जो ड्यूअल स्पीकर है, स्टीरियो स्पीकर वो देखने को मिल जाते हैं, तो एक बहुत अच्छी बात है। एक मिड रेंज डिवाइस में 20,000 के अंदर आपको स्टीरियो स्पीकर देखने को मिल रहे हैं। सो ओवरऑल काफ़ी अच्छा डिवाइस है, अच्छा प्राइसिंग रखा गया है। रियलमी 7 भी आपको 17,000 में 8128 मिलेगा, एंड काफ़ी अच्छा कंपटीशन है, बिकॉज कैमरा एंड परफॉर्मेंस वगैरह सब सेम देखने को मिलती है। उसमें बैटरी, उसमें भी 5000 mAh की अच्छी बैटरी देखने को, 30 वॉट का फास्ट चार्जर देखने को मिल जाता है। बट ओवरऑल आई थिंक जो पोको X3 है वो भी काफ़ी अच्छा डिवाइस है, एंड अगर आप लोगों का बजट 17 से 18 हज़ार रुपये का, तो इसका 6128 GB काफ़ी अच्छा वेरियंट है। एंड 20,000 वाले को मैं इसलिए नहीं बोलूँगा, बिकॉज वहाँ रियलमी X2 मेरे लिए थोड़ा फिलहाल बेटर है। जब हम इसको कंपेयर करेंगे तो जानेंगे कि क्यों कौन सा फोन बेटर होगा, बट अभी फिलहाल पोको X3 की बात करें, सो आई थिंक कि 17 से 18 हज़ार रुपये का अगर आपका बजट है, सो पोको X3 एक बहुत अच्छा ऑल्टरनेटिव हो सकता है। अगर आपको एक पोको फैन ही हो, आपको पोको का ही स्मार्टफोन चाहिए, तो सो आई थिंक ओवरऑल पोको X3 एक बहुत अच्छा डिवाइस है, बहुत अच्छी प्राइस के साथ आता है। एंड जो कैमरा वगैरह है हमें अच्छे देखने को मिलेंगे। अच्छी बात यह है कि इसमें 13 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस देखने को मिल जाता है, यानी कि जो आपको डिटेल वगैरह अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस में देखने को मिलेगी वो ज़्यादा बेटर मिलेगी कंपेरेटिवली जो जिस स्मार्टफोन में, जैसे रियलमी 7 प्रो हो गया, ऐसे डिवाइस में जो आपको जैसे 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस देखने को मिलता है, उसके मुकाबले ज़्यादा बेटर डिटेल देखने को मिलेगी अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस में। बाकी जो 64 मेगापिक्सल के सेंसर होते हैं, IMX682 है, इनके सॉफ्टवेयर एल्गोरिथम की वजह से अच्छे बनते हैं, कॉम्बिनेशन अच्छा बनता है। तो ओवरऑल वहाँ पे जो कैमरा परफॉर्मेंस देखने को मिलती है सभी स्मार्टफोन में मिड रेंज में सिमिलरली देखने को मिलेगी, तो यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, अच्छे परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी। स्पेसिफिकली जो नाइट मोड होते हैं इनमें बहुत अच्छे हो गए हैं, तो ये जो सेंसर है मिड रेंज में भी आपको अच्छे खासे जो नाइट फोटोज देखने को मिल रही है, लो लाइट फोटोज देखने को मिल रही है, वो काफ़ी अच्छी देखने को मिल रही है। देन स्नैपड्रैगन 732G काफ़ी अच्छा चिपसेट है, नया जरूर है, बट उसका जो रियल वर्ल्ड परफॉर्मेंस है वो स्नैपड्रैगन 730G एंड 720G जैसा ही है, बस थोड़ा अंतर स्कोर थोड़ा ज़्यादा होगा, बट ओवरऑल एक सिमिलर परफॉर्मेंस देखने को मिलती है। यहाँ कुछ ज़्यादा खास मतलब अपग्रेड, बहुत छोटे छोटे अपग्रेड देखने को मिल रहे हैं, इतने बड़े नहीं है। देन 6000 mAh की बैटरी देखने को मिलती है, वो एक बहुत अच्छी बात है, बट देन 120 Hz का रिफ्रेश रेट भी है, सो वहाँ पे भी देखना पड़ेगा क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा बैटरी कंज्यूम करेगा। बट ओवरऑल एक अच्छा प्रोसेसर एफिशिएंसी देखने को मिलती है, पोको के हिसाब से जो वो रिफ्रेश रेट है वो अपने आप खुद सेट होता रहता है, जैसे आप जो जो टास्क करेंगे उस हिसाब से रिफ्रेश रेट खुद सेट होता रहेगा, कम ज़्यादा होता रहेगा। बट ओवरऑल या 120 Hz मुझे आज तक समझ नहीं आया कि क्यों स्मार्टफोन डिवाइसेस रखते हैं, इससे अच्छा तो आपको AMOLED पैनल प्रोवाइड कराए तो ज़्यादा बेटर होता है, क्योंकि पिक्चर क्वालिटी ज़्यादा बेटर हो जाती है, एंड रिफ्रेश रेट से कुछ ज़्यादा फर्क पड़ता नहीं है, स्पेसिफिकली मिड रेंज में, क्योंकि अगर मैं मिड रेंज को फ्लैगशिप के 120 Hz से कंपेयर करूँगा तो फ्लैगशिप वाला जो होता है ज़्यादा स्मूथ होता है, वो आँखों से दिख जाता है, बहुत क्लियर डिफरेंस देखने को मिल जाता है। सो बट
ओवरऑल आई थिंक इस प्राइस रेंज में पोको एक्स थ्री काफ़ी अच्छा हमें स्मार्टफोन देखना देखने को मिला है, क्योंकि एक डिसेंट डिस्प्ले है, देन अच्छा कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा, एक अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिल रही है, एंड इवन स्पीकर्स इसके अच्छे देखने को मिलेंगे हमें, एंड बैटरी भी काफ़ी बड़ी देखने को मिल जाती है। सो ओवरऑल अब मैं पहले भी बोल चुका हूँ, अभी भी बोल रहा हूँ, 17-18 हज़ार का बजट पोको एक्स थ्री आप लोगों के लिए, आप बेसिक आप खरीद सकते हैं, काफ़ी अच्छा डिवाइस भी आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। अब आप लोगों को इस डिवाइस के बारे में क्या लगता है मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, अगर अच्छा लगता हो तो बता दीजिए जो भी आपको लगता है इस डिवाइस के बारे में, या फिर आप रियलमी 7 प्रो या रियलमी 7 को चूज़ करेंगे इसके कंपेरेटिवली, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें, एंड अगर आपको टेक्नोलॉजी से रिलेटेड न्यूज़ एंड लीक से अपडेटेड रहना है तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए दिस इज़ प्रियांशु साइनिंग ऑफ।